कोरोना संकट ने प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के इंतजार को बढ़ा दिया। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के कारण एक के बाद एक प्रतियोगिता परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में बेरोजगार परीक्षार्थी में मायूसी का माहौल बना हुआ है। प्रदेश के साथ ही पूरे देश में इस समय कोरोना संकट गहराया हुआ है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते जहां बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, तो उसके बाद अब प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी लगातार स्थगित किया जा रहा है। सरकार ने 20 जून को आयोजित होने वाली रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, लगातार हो रही इस परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी मायूसी में। उनकी मांग है कि जैसे कोरोना पर काबू पाया जाए, वैसी प्रदेश की दो सबसे बड़ी परीक्षाओं के आयोजन को प्राथमिकता दी जाए। इसमें सबसे पहली परीक्षा रीट और दूसरी परीक्षा है पटवार भर्ती परीक्षा। आपको बता दें, इससे पहले 4 बार रीट परीक्षा स्थगित हो चुकी है, अब 5वीं बार इसको स्थगित किया गया है। 31,000 पदों पर होने वाली रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा, आपको बता दें, अब 5वीं बार स्थगित हुई है। वहीं 4421 पदों पर आयोजित होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा को जनवरी में स्थगित किया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसकी परीक्षा तिथि जारी नहीं की गई है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में जहां करीब 16 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, वहीं पटवार भर्ती परीक्षा के लिए 15 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि कोरोना का प्रकोप वर्तमान में ज़्यादा है, ऐसे में सरकार की ओर से परीक्षा स्थगित कर परीक्षाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन सरकार से मांग की जा रही है कि रीट और पटवार भर्ती को कोरोना का प्रकोप समाप्त होते ही जल्द से जल्द आयोजित कराया जाए। तो ये बड़ी अपडेट है रीट और पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर। आपको बता दें, जैसे ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी होगी, सबसे पहले रीट भर्ती परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। फिलहाल रीट भर्ती परीक्षा को स्थगित